छोटी मम्मा है या बड़ी मम्मा? छोटी मम्मा। छोटी मम्मा ओम राधे कोर्ट में गई और बाबा को बचाया है ना, तो ऐसे ही यहाँ छोटी मम्मा कौन है? छोटी मम्मा है ना, तो छोटी मम्मा कोर्ट में जाएगी और बाबा को बचाएगी, बोलेगी दास से स्थापना हो जा रही आज में भी तो हुई थी वो डुप्लीकेट स्वर की स्थापना हुई थी और अभी स्थापना होगी। आज में जो मम्मा थी वो भी काजी बाहर अम्मा थी या ओरिजिनल अम्मा थी? मम्मा आज में कोर्ट में गई थी वो मम्मा ओरिजिनल मम्मा थी या कार्यवाहक मम्मा थी? कार्यवाहक मम्मा थी। ब्रह्मा भी जो दादा देखा जो ब्रह्मा नाम पड़ा वो भी ओरिजिनल ब्रह्मा था या बाद में नाम पड़ा? बाद में नाम पड़ा, ओरिजिनल कोई और थे वही ओरिजिनल मम्मा। फिर अभी कोर्ट में आएगी और कोर्ट में जो बोलेगी वो अखबारों में छपेगा, अखबारों में छपेगा और चारों तरफ प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा अभी आप मुरली बताते हैं ना, सभी बच्चों लोग लिख सकते हैं ना वो है? हाँ तो मुरली पढ़ता है, मैं अपनी कैंसिल लगा के सुनता है, अभी वो मुरली लिख सकता है ना? मना कौन करेगा? बट्टी मार दिखती है संस्कृत की गीता को पढ़ा करके आटा बता देते हैं, लेकिन ऐसे ही आज नहीं होगा। ऐसे होगा तो हमारा भक्ति मार्ग की मुरली थी ना, प्रगति मुरली वो तो अभी भी पढ़ के सुना है। ये भी अंत, ये अंत जो हुआ वो दूसरे मूर्ति का अंत है, अब तीसरी मूर्ति की तो निकलने वाली है। तो जो तीसरी मूर्ति निकलेगी उसमें ये भी अंत हो जाएगा तो वो भी अंत हो जाएगा, बाहर की दुनिया की भी अंत हो जाएगा और अंदर में जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसका भी हाथ की संप्रदाय का अंत हो जाएगा, दोनों का भी अंत हो जाएगा। शूटिंग पीरियड कहते हैं ना, वैष्णवी देवी आने के बाद विष्णु के समय में भी शूटिंग होगा, ऐसे तो कितने कितने साल महीने होगा? तीनों मूर्तियां हैं, 100 वर्ष संगम युग है, 100 वर्ष के संगम युग को 3 मूर्तियों में डिवाइड कर दो, कितना आया? 33 साल। ब्रह्मा का पार्ट कितने साल चला? दादा देख रहा है ब्रह्मा का पार्ट कितने साल चला? 30 साल। 33 साल चला, 36 से लेकर के 68 तक 69 तक कितने साल हुए? 33 ईयर्स हुआ। ऐसे ही शंकर का पार्ट कितने साल हुआ? 2009। ऐसे ही वैष्णो देवी का पास कितने साल चलेगा? वो भी 30-35 साल। 30-35 साल चलेगा उसमें क्या शूटिंग होगी? हाँ, देवतावन की आत्माएं हैं, वो प्रैक्टिकल स्वर्ग कैसे स्थापन होगा वो शूटिंग होगी। प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा वो भी शूटिंग होगी, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। शंकर द्वारा जो दूसरी मूर्ति है उसके द्वारा प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है, मन के ख्याल ही गुलाब बनते रहते हैं, क्या योजना बनती रहती है? क्या बनती है? योजना बनती है नई दुनिया की, प्लानिंग होती रहती है, इसको कहते हैं प्लानिंग पार्टी।
प्लानिंग ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। कोई दुकान बनता है तो इंजीनियर लोग क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, करेंगे करेंगे मुझे नहीं आधा पता कर लेंगे, आधा पता कर लेंगे काम, कोई काम नहीं करते। उनसे कहो क्या है, एक टोकरा उठाओ बस पेपर में, हाँ कानूनी कार्रवाई कर देंगे। ऐसे ही जो एडवांस पार्टी में प्रैक्टिकल पार्टी है वो जब निकलती है तो सारा काम प्रैक्टिकल में संपन्न हो जाता है। स्थापना प्रैक्टिकल में होती है तो विनाश भी प्रैक्टिकल में हो जाता है। देखो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो शांति के समय में किया, ये दुनिया में जब अशांति बढ़ती है तब किया, तो शांति के समय में जो पढ़ाई हुई उसमें मेहनत ज्यादा लगती है कि मारामारी की दुनिया में जो पढ़ाई होगी उसमें ज्यादा मेहनत लगती है? तो फिर अब मारा मारी दुनिया सामने खड़ी तो बाबा कहते हैं तुम अंत तक लेते रहेंगे, हम जब तक जिएंगे तब तक जीते रहेंगे, तो मारा मारी दुनिया में तो पुरुषार्थ ज्यादा होगा। नंबर वन प्रोजेक्ट तो वही होंगे तो कैसा होंगे, नंबर वन प्रोजेक्ट होंगे तो कैसे होंगे? जब परीक्षाएं होंगी, तीखी तीखी परीक्षाएं होंगी, फाइनल परीक्षाएं होंगी, या समाज भी अपोजिशन करेगा, रिश्तेदार भी अपोजिशन करेंगे, घर वाले भी अपोजिशन करेंगे, सरकार भी अपोजिशन करेगी, प्रकृति भी अपोजिशन करेगी, शरीर के जो पांच तत्व हैं वो भी बीमारियां वहां डाल देंगे, अपोजिशन करेंगे, तो चारों तरफ से अपोजिशन का वातावरण होगा। ऐसे माहौल में सबकी ताकत की परीक्षा हो जाएगी, कौन सी आत्मा कितनी पावरफुल है, ज्ञान में टिकी रह सकती है और कितने लंबे समय तक टिकी रह सकती है वो सब पता चल जाएगा। जो जितने लंबे समय तक टिका रहेगा वो उतना ही ऊंचा नंबर ले लेगा, और जो पहले ही नजर हो जाए सूर्य के द्वारा बताया हुआ शहर, तो ज्ञान सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य कौन है? बाप है ज्ञान सूर्य, तो वो संस्कृति बनाता होगा। अभी बनाया जब बाहर की दुनिया में संस्कृति बन रहा है तो ब्राह्मण दुनिया में संस्कृति नहीं होगा, ब्राह्मण दुनिया में संस्कृति होता है। अब आप उत्तर होने के बाद बच्चों की सेवा कैसे हो? बाबा बच्चों की नजर में थोड़ी गुप्त हो जाएगा, जो बच्चे कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बने रहेंगे उनकी नजर में गुप्त हो जाएगी। बच्चों के साथ तो वादा किया है, साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, जो वादा किया है वो बीच में तोड़ सकते हैं क्या? हाँ बच्चे वादा तोड़ेंगे तो बाप भी उनका साथ नहीं देंगे, वो तो जाएंगे उनकी जगह। बाबा आपने जो स्थिति में जो लिखते हैं तब इसमें आप तो होता है क्या होता है? दर्द होता है, दर्द होता है। मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब तक रहे हैं तब तक स्टार को याद करने की प्रैक्टिस नहीं की है। अभी एडवांस में आ गए तो यहाँ बताया गया तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आत्मा से जिन्हें सीखना है तो बहुत तकलीफ है, लेकिन मेहनत तकलीफ उनको है जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जो ज्ञान में आए और तुरंत उनकी बुद्धि में ये बैठा दिया तुम स्टार आत्मा हो, क्या सुप्रीम सोल बाप स्टार आत्माओं का बाप है, तो बेसिक नॉलेज जिनको शुरुआत में ये बात बुद्धि में बैठ गई उन्होंने कैच कर ली, तो वो तो जिस दिन से ज्ञान में आए उसी दिन से अपने को आत्मा समझना प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। अमर महीने सवेरे को उठेंगे
सितारे को देखे वो शिव बाबा है, ये सितारा ये मेरी आत्मा प्रैक्टिस करेंगे कितना टाइम भी जा सकते क्या कन्या लोग एक ही टाइम जाने के उनका कुछ कन्या भी शांति कितना टाइम भी जा सकते क्या एक ही टाइम जाने के उनका कुछ एक ही टाइम ही कंपनी का क्या लेकर बात में नहीं करेगा कि एक ही टाइम जाना दोबारा सर्विस करके जो सर्विस बच्चे होंगे वो सर्विस करके फूलों को नहीं ले जाने कन्या दो बार भी जा सकते कन्या सर्विस नहीं कर सकती कन्या भी सर्विस कर सकती फिर वो पार्टी नहीं जा सकते कन्या के साथ कन्या है तलवार और माताएं हैं ढाल तलवार के साथ ढाल जरूर होना चाहिए उनकी कोई माता जरूर साथ में होनी चाहिए बाबा एक भाई ने पूछा पति का पावर सीता राम बता था क्यों सीता को आगे पहला बोलते बाद में से राम को बोलते क्योंकि राम पुरुष था या स्त्री स्त्री जो रहा था तो पुरुष और दुर्योधन दुशासन के लिस्ट में है या नहीं है जो खुद दुर्योधन दुशासन के लिस्ट में है वो पति को कैसे पावन बनाई इसलिए पहले सीता चाहिए राम के बराबर पुरुषार्थ करने वाली कोई फीमेल पार्ट धारी चाहिए जो समान पुरुषार्थी हो तब पतियों को पावन बना देंगे राम राजा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सबसे आगे वो ये क्यों ऐसा बताते हैं कृष्ण राधे नहीं तो नारायण लक्ष्मी ऐसा क्यों नहीं बताते नहीं बताते क्योंकि सब पुरुष हैं पुरुषार्थ करने वाले पुरुष हैं लेकिन एक है जिसमें पुरुष का नाम आगे रखते हैं वो ये जोड़ा कौन सा है शंकर पार्वती शंकर नहीं कहते हैं क्या कहते हैं शंकर पार्वती वो तो भगवान है शंकर क्या है शंकर में तो शिव का प्रवेश है इसलिए भगवान का पार्ट है वो कोई साधारण पार्ट नहीं जो माताएं हो कन्या हो पंक्ति में जाने के बाद लेकिन फूल ला के आने के बाद उनका घर गीता पाठ का कन्या या माता को कन्याओं का घर जब सरेंडर हो गई तो कन्याओं का घर कौन सा होता है आपका घर तो कन्याओं का घर उनका अपना घर कहाँ से रहेंगे उनका अपना ही घर होता उनका अपना ही घर होता है तो माँ बाप आने जाने सरेंडर क्यों करते इस दुनिया में कन्याओं की सेफ्टी नहीं होती है इसलिए वहां जाके सरेंडर करते हैं जो सरेंडर नहीं करते वो घर में ही रहकर सर्विस कर सकते हैं ना जो काम काज में जाते हैं लेकिन उनका लड़के तो प्रैक्टिकल प्रूफ लाने वाले कितने पहले अपनी अपनी सेफ्टी करना ही मुश्किल हो जाता है आज के समाज में कन्याओं को समाज इतना ज्यादा खराब हो चुका है मोहल्ला पड़ोसी रिश्तेदार वो कन्याओं को तो सब दुश्मन बन पड़ते हैं मुरली में तो यही बोला है कन्याओं के सब दुश्मन बन पड़ते हैं घर में अभी एक भाई नहीं तो कन्या कोई फोर्थ ईयर बच्ची का क्या है उसको रोज क्लास में जाने को नहीं होता क्लास बहुत दूर लगता है तभी वो घर में सीढ़ी रख के सुन सकते हैं जो लोग जितने ज्यादा दूर रहते हैं उतने ज्यादा दिन के बाद आ सकते हैं उसमें भी रेगुलरिटी चाहिए बहुत दूर रहते हैं तो सात दिन में एक बार आ जाए और दूर रहते हैं तो 15 दिन में आ जाए और दूर रहते हैं तो महीने में एक बार तो आए संगठन में घर में भी सीढ़ी लगाते सुने लेकिन संगठन में एक बार जरूर आना वो रेगुलरिटी जरूर चाहिए क्लास की जो सबकी सहमति हो उसको टाइम रखो कोई मोहल्ला ऐसा है कि सारे ही किसी कारखाने में जाते हैं
कारण दो शिफ्ट का है, रात का दिन का 12-12 घंटे की ड्यूटी है, तो 12 घंटे की ड्यूटी लगी रात में, तो दिन में क्या करेंगे? 12 घंटे की ड्यूटी इनकी दिन में लग गई, तो कहीं अब दिन में तो हम सारा दिन वहाँ है, क्लास कैसे करें? तो उनका रात में क्लास करें, माने जैसी सबकी सम्मति हो वैसा क्लास करें। लेकिन टाइम का तो वो नहीं है, टाइम तो हो नहीं, अभी 5 बजे अभी बेसिक में 7-8 क्लास होता ना, ऐसा हो ना करके सवेरे का टाइम अच्छा होता है, लेकिन कोई को सुविधा है कोई को नहीं है, तो उनके अनुसार क्लास करना पड़ता है, सुविधा का अनुसार रखना। देवता देवता आप तो लास्ट से करता है ना, कलयुग में भी नीचे उतरता है। हाँ जी सर, उन लोग का भी ज्ञान लेंगे, कैसा उन लोग वापस देवता कलयुग अंत तक की शूटिंग में ज्ञान लेंगे? लास्ट में होके और द्वारका बन जाएंगे। कलयुग अंत तक की शूटिंग में देवता नवी आत्माएं आती नहीं, वहाँ परमात्मा से नीचे आती है, साकार दृष्टि में चैतन्य बनती है, और यहाँ कब्र दाखिल हुए हैं जो वो यहाँ आकर भी चैतन्य बुद्धि बनती है, उनकी आत्मा जाग जाती है, परम नाम में तो जड़ बात पड़ी रहती है आत्मा, परम नाम में आत्मा जैसे जड़, कोई चैतन्यता नहीं, एक सच्ची पर आई तो आंखें खुल जाती है, चैतन्य हो जाती है, ऐसे यहाँ ज्ञान है, ज्ञान में पहले बन के पत्थर हम पड़े थे, सूनी सूनी रहा हम, सारी दुनिया जैसे पत्थर बुद्धि बने पड़े थे, अभी बाबा आते हैं तो हमको जगाते हैं, तो हमारी आगे ज्ञान की आगे खुल जाती है, जैसे हम जिंदा हो। बाबा माता जी पूछते हैं आज हमको सब पुरुष दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, लेकिन यहाँ चैतन्य में हम बच्चे अष्टदेव बनते हैं तो चले भी हो गया। अष्टदेव जो है वो रुद्रमाला से निकलेंगे या विजय माला से निकलेंगे, सूर्यवंशी से निकलेंगे या चंद्रवंश से निकलेंगे? सूर्यवंशी ही जो 16 कलर संपूर्ण होते हैं, जो चंद्रवंश से माला निकलेगी वो तो थोड़ी नीची कोटि की हुई है, तो जो सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणके हैं वो रुद्रमाला के बच्चे पुरुष स्वभाव के हैं या स्त्री स्वभाव के हैं? इसलिए उनको पुरुष दिखाएंगे। आप देखो कोई कोई है जिनको अभी फिक्स हो रहा है, नहीं यही बन सकते हैं और कोई नहीं है। बाबा जितनी महिमा कर रहे हैं 2 साल से अगस्तवाणी में अष्टदेवों की, वो महिमा की सारी बातें इन्हीं के ऊपर लागू होती है क्या, और कोई ऊपर लागू होती ही नहीं है? ऐसा नशा करने से हो जाएंगे बाबा, नशा करते हैं तो राक्षस थे या देवता का, लेकिन नाव ग्रह में वो 10वां ग्रह बन गया, 9वां ग्रह बन गया, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अमृत बांटा गया, अमृत कलश लेकर भी जब लक्ष्मी ने बांटा तो देवताओं को बांटना शुरू किया, तो कौन घुस करके आते बैठ गए? तो राक्षस ही थे ना, वो देवता थोड़ी थे, हाँ उन्होंने पी लिया तो बन गए थोड़े समय के लिए देवता, ऐसे थोड़े वो ओरिजिनल राक्षस वो देवता थे। जो सूर्य है वो तो ज्ञान सूर्य शिव है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, ईशान कोण में ईश्वर को दिखाया गया है अष्टदेवों में, तो ज्ञान सूर्य शिव उसमें प्रवेश करता है 3रे नेत्र के, बाकी वो है तो बृहस्पति
शिव व्रत पति नहीं बनता है, शिव कोई का पति नहीं बनता है, शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। क्या उसका कोई संबंध नहीं दूसरों के बच्चों के साथ? क्या संबंध है? बाप और बच्चे, और बच्चे आपस में भाई भाई, बच्चों का संबंध है बाप के हिसाब से भाई भाई का है, भाई बहन का भी संबंध नहीं। फिर वो ज्ञान सूर्य शिव है ज्योति बिंदु, जब शरीर में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमार और कुमारी, तो भाई बहन क्या, तो रुद्रमाला के मड़के सब आपस में क्या है, भाई भाई। और जब विजयमाला के मड़कों में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाई भाई। बोला सर्विस के बारे में, अभी तो बेसिक नॉलेज में, अभी तो बोला मंदिरों में जाके सर्विस करना है, करो कर, हम कर सकते हैं कर, जो कर सकते हैं बाबा मंदिर जी कहा थे, सब थोड़ी कर सकते हैं, तो कुछ भी सफल है तो वो नहीं होता ना है, वो लक्ष्मी नारायण को सर्विस संभाल के बोलना या नोटिस वगैरह कहीं तो हम सर्विस करना चाहिए लोगों गर्भ महल माना कोई दुख नहीं, और गर्भ जेल माना गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो त्राहि त्राहि करती है बाहर निकलने के लिए, तो चार पांच महीने उसको बाहर निकलने के लिए त्राय त्राय करना पड़ता है, अंदर अंदर घुटती रहती है। यहाँ ज्ञान में भी है, ज्ञान में कृष्ण और राधा जैसी आत्माएं जो इस समय बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजाई गई है वो गर्भ महल में आराम क्या उनको कोई तकलीफ नहीं है, क्या है कोई तकलीफ नहीं। और जो आत्माएं ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के बाद ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, बाप का पार्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है, घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा हो रहा है, और फिर सरेंडर भी हो गई, क्या सरेंडर भी हो गई, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे हम जेल में पड़े हुए, इनको बाप के ऊपर निश्चय भी नहीं है, अनिश्चय बुद्धि विनिश्चय की स्थिति में पड़े हुए हैं, जैसे जेल में पड़े हुए, उनकी आत्मा छटपटाती है कब हम यहाँ से बाहर निकले, बाहर की दुनिया में जाए, जिनको अनिश्चय बुद्धि होंगे वो सरेंडर होने के बाद फिर वो अंदर सेवा करेंगे, और सेवा भी नहीं करेंगे, ऐसी दूध न देने वाली जो गऊ होंगी उनको फिर क्या किया जाएगा, खाटने के लिए बाहर की दुनिया ही करेंगी, और बाहर की दुनिया होता था जब पल्ले पड़ जाएंगे। आजकल सब गाय को इंजेक्शन देके दूध लेते हैं, यहाँ ज्ञान का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, अगर ज्ञान का इंजेक्शन न लगा दे तो वो सुकृति दूध नहीं देंगी, क्या सेवा करना ही बंद कर देंगी। यहाँ से कोई भाई खेत में गया कि नहीं, कोई भाई कोई खेत में नहीं गए, तो वहाँ ये अनुभव किया कि जिन दिनों बाबा जाके इंजेक्शन लगाते रहते ज्ञान का, उन दिनों तो भाइयों की खूब उम्र उत्साह बढ़ा रहता है, अच्छी सेवा करते हैं, और जिन दिनों चार से आठ महीने बाबा नहीं गए, इंजेक्शन लगाने वाला नहीं डॉक्टर गया, तो उनकी हालत खराब हो जाती, भागे यहाँ आज की लोगों का भी उनको इंजेक्शन लगाया जाएगा तो ज्यादा दूध देंगे, इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा जैसे उनका दूध सूख जाता है। अगर प्रतियुग में लक्ष्मी नारायण का राज चलेगा है ना, हर एक लक्ष्मी नारायण का राज्य 18 साल भी चलेगा, 18 साल भी 18 ईयर्स भी चलेगा ये, क्योंकि अपने बच्चे 18 ईयर्स होंगे तो उनके राज्य देंगे, नहीं नहीं
हाँ, जैसे गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उछलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो वहाँ कोई पालना थोड़ी लेनी पड़ती है। वहाँ तो बुढ़ा होता ही नहीं, कोई बच्चा होता ही नहीं, न वहाँ बचपना होता है, न कोई बुढ़ापा होता है। क्या होता है? पैदा होते ही जैसे नौजवान पैदा हुए। बाबा अभी मुरली ने बताया था ना, 4.5 लाख जन्म देने वाला और 4.5 लाख जन्म लेने वाला, उसमें दास दासी भी रहेंगे, उनको कैंटर सती में क्यों दास दासी सही जाती है? तो जाती है, लेकिन यहाँ पता चलेगा कि नहीं? यहाँ पता चलेगा है? यहाँ पहले पहले कौन सरेंडर होगी? माया। माया सरेंडर होगी तो दासी बनना पड़ेगा। माया 4.5 लाख में नहीं आएगी, आएगी वो प्रजा बन के रहेगी। बाबा लास्ट में कंजुदय होंगे है ना, कहाँ कहाँ आत्मी स्त्री वाले बनेंगे वहाँ कंजुदय होंगे, लेकिन माउंट आबू में जाकर कंजुदय बनना अच्छा है या राजस्थान में? माउंट आबू तपस्या भूमि होगी या जीवन मुक्ति की भूमि होगी? तपस्या भूमि होगी। तपस्या भूमि में वहाँ शरीर कंचन काया बना बना जीवन मुक्ति मिलेगी, शरीर रहते ही शरीर के दुखों से मुक्ति हो गई, माने निरोगी काया बन गई। निरोगी काया बन गई तो देवता बन गए। जब तक शरीर के 5 तत्वों को परिवर्तन नहीं किया है तब तक देवता नहीं बनते। देवता तब कहे जाएंगे जब शरीर के 5 तत्वों को भी कन्वर्ट कर, ऐसे नहीं बुद्धि तो सुधर गई, आत्मा रूह तो बन गई, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप पढ़ाते हैं, ऐसे रूह तो बन गए, लेकिन शरीर सड़ा हुआ है, तो उसको देवता नहीं कहेंगे। देवता कब कहेंगे? जब मन बुद्धि रूपी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र दोनों ही कंचन बन जाए तब कहेंगे देवता। तो माउंट आबू जो तपस्या भूमि होगी वहाँ शरीर निरोगी बनेगा क्या? निरोगी बनने की जगह नहीं है। दुनिया में तो सभी का शरीर तो जर्जरीभूत अवस्था ही नहीं बोल दिया, शरीर सड़ते जा रहे, आत्मा पावरफुल होती जा रही, लेकिन जड़ने नहीं आत्मा पावरफुल होती है। शरीर जड़ने नहीं आत्मा पावरफुल होती, शरीर जर्जरीभूत जर्जरीभूत होता जाएगा। जर्जरीभूत माना शरीर जो है सड़ता जाएगा, माने बीमारियां भर जाएंगी उसमें, कीड़े मकोड़ों का अन्न मिल रहा है खाने के लिए, जो अनाज मिल रहा है, जो दूध मिल रहा है, जो भी चीज है, आहार साग सब्जी जो भी मिल रहा है वो सब कीड़े मकोड़ों वाली मिल रही है, तो शरीर कैसा बनेगा? कीड़ों से भरा हुआ शरीर बन रहा है, सबका जा रहा है शरीर, उनका तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि खेती अपने आप करो अपनी, और उसमें केमिकल मत डालो, केमिकल डालने से उसमें कीड़े पैदा होते हैं। केमिकल मतलब यूरिया, यूरिन, यूरिन शब्द से बनी यूरिया, क्या बुद्धि भी ऐसा बनी है, बुद्धि भी ऐसी बन जाती है, विकारों की खाद पड़ती है ना, वो भी तो यूरिन है, तो जो विकारों की खाद पड़ती है उस खाद से बुद्धि व्यस्त होती है, कीड़े मकोड़ों की बुद्धि बन जाती है, कीड़े मकोड़ों जानवरों जैसी बुद्धि बन जाती है। अभी यूरिया को केमिकल को खत्म करो, क्या करो? ऑर्गेनिक खेती करो। तुम नहीं कहते हो रही, जब बाबा ने बच्चे नहीं शुरू कर सकते, बाबा ने बच्चों ने किया, सबके पास पैसा नहीं, कैद की रस्सी खरीद देंगे, सबके पास पैसा नहीं, कैद खरीदने बाबा के पास था, परिणाम से पैसा आ गया, बाबा का बच्चा ही नहीं गरीब थी, बस इतना बड़ा केस वो करके नहीं रोक, बच्चा लोग बड़ा बड़े सागर में है,
क्या तरीके से स्केच लेंगे, क्या करेंगे, लेंगे जब बाबा ने कहा सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा तो सारा माउंट आबू खरीद करेंगे क्योंकि अनाज लेने नीचे से जाएंगे, भूकंप होगा तो भूकंप होगा आबू रोड तो भूकंप में समा जाएगा, वहां तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आबू रोड में नीचे उतर के लेने माउंट आबू सुरक्षित रहेगा, तो वहाँ जो जमीन पड़ी हुई है पहाड़ी वो जमीन जब खरीद ली जाएगी तो उसमें खेती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अभी लास्ट में लास्ट में क्यों, अभी लास्ट में और बाद में आएगा, घर परिवार जमाए बैठे ना आराम से, नहीं बाबा और माउंट आबू खरीदा ही नहीं, खरीदने के बाद ही उसका बोलते ना कौन खरीदे जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ काला पत्थर आता है जो सही मार्बल जैसा एकदम चिकना मार्बल जो होता है वो उतना मजबूत नहीं होता, क्या मजबूत नहीं होता और उतनी चमक नहीं आती उसमें, लेकिन ग्रेनाइट पत्थर बहुत चमक है और उसको जब घिसा जाता है तो पीछे की तरह चमकता है, तो ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ जो पहाड़ माउंट आबू है सारी दुनिया में भूकंप आएंगे, भूकंप आएंगे ज्वालामुखी फटेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे तो पृथ्वी हिलेगी, जब पृथ्वी हिलेगी तो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब गिरेंगे, लेकिन माउंट आबू में कुछ बिगड़ने वाला छोटे मोटे भूकंपों को कोई असर नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा बाबा, वो ग्रेनाइट पत्थर बहुत गहराई तक धंसा हुआ है और जो पहाड़ है वो उतनी गहराई तक नहीं है और कच्चे पत्थर के जो माउंट आबू का पहाड़ है वो ग्रेनाइट पत्थर का है बहुत गहरा है, तो उसमें जो अगर लावा निकलेगा भी आग जो उगलेगी पृथ्वी तो इधर उधर चला जाएगा, वैसा रहेगा लेकिन आखिरी जो 5-7 रोज का जो विनाश होगा उसमें सब खराब होगा, पत्थर वत्थर सब टूट जाएगा, ज्वालामुखी इंडिया में नहीं है, अरे सारी दुनिया में ज्वालामुखी फटेगा, सिवाय दिल्ली को से स्थान के जहाँ स्वर्ग स्थापन होना है वो 5-7 रोज के अंदर जो विनाश होगा बस वो स्थान सुरक्षित रहेगा, देवताओं का स्थान ब्राह्मणों का है ये संपूर्ण ब्राह्मण जहाँ होंगे सबके ब्राह्मण बाकी तो सारा ही दुनिया खेल खड़ा होनी ये मानता पूछते दक्षिण भारत कैसा विनाश भारत ऐसा विनाश होगा, उत्तर भारत ज्यादा ऊंचाई पर है कि दक्षिण भारत ज्यादा ऊंचाई पर है, उत्तर भारत ज्यादा ऊंचाई पर है और दक्षिण भारत समुद्र के तल से नदी के लिए, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ के किलोमीटर कई कई किलोमीटर मीलों ऊंचे पहाड़ है बर्फ की जमीन, वो बर्फ के पहाड़ अब गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या इस पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता जा रहा है, वो गर्मी से क्या होता है वो ओजोन किरण फट रही है, सूर्य के बीच में जो लेयर है वो फट रही है, तो गर्मी सीधी नीचे आ रही है तो पहाड़ सारे फट पड़ेंगे बर्फ के पहाड़ और वो फट करके समंदर में आ जाएंगे, क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मीलों ऊंचे जो बर्फ के पहाड़ है और
अभी भी है, जिनकी बच्ची रहती है। ऐसे दंपतियों में कुछ लोग भाग रहे हैं, पूरा की तरफ बहुत भाग रहे हैं, लेकिन अभी भी बचे हुए हैं, हालांकि काम नहीं लग रही। बम्बई में तो ऐसे है कि ये दरवाजे पर सागर है और यहाँ दरवाजे पर ही सागर है। ज्ञान देने के लिए गाड़ी के तहत आजू बाजू वाला अपना इस ज्ञान के बारे में चर्चा करने के थे, वो पूछेंगे अब क्या ऐसा चर्चा करते हैं क्या, कभी आप सोच उसको बता सकते हैं ना, पूछेंगे तो अज्ञानी यही बोल के अज्ञानी को ही तो ज्ञान देना है, खाली बीच को ही देना चाहिए। वो अपने आप हमसे आके पूछते हैं, अपने आप हमारे घर में गीता पाठशाला में आ जाते हैं कि हमें भी सुनाओ, तो समझ लेना चाहिए पूर्व जन्म का कोई बाबा का बच्चा है तो इसका संस्कार यहाँ तक उसको खींच ले आए, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ बहुत है यहाँ एडवांस में जो डायरेक्ट ज्ञान में निकले, तो इसका मतलब क्या वो नए हैं? नहीं वो पहला बोल रहे हैं, पहले भगवान थे इसलिए है। आप आएंगे तो सुना सकते हैं, अपने आप आए आकर पूछेंगे तो सुना सकते हैं, लेकिन उसको बहुत हमने खुद भी ट्राई करके नहीं सुनाना है ना। हाँ जो लौकिक संबंधी है जानने वाले हैं, लौकिक संबंधियों को पहला संदेश तो लेना है, लेकिन संदेश देना है लेकिन यहाँ उनको बुला बुला करके रोज रोज समझाना, उनके पीछे पड़ जाना दरकार नहीं होती है। अगर दरकार है तो उन ब्रह्मा कुमार को आदमी को समझाओ, लेकिन फर्स्ट में दुबई वाला और हमारा घर से आएगी थोड़ा वो समझ के इतना खुश हो गई, वो जाने का टाइम ऐसा हो गई इधर आने से बहुत शांति मिल गया, मैं परसों के एग्जाम देती हूँ, मैंने बोला इसके लिए हम पैसा कुछ भी नहीं लेते आगे एग्जाम देना, तो इतना खुशी होगी दुबई से आएंगे नहीं तभी तो खुशी होती है, क्योंकि तभी तो दुख में है ना, तभी संतोष बाबा ऐसे मिलेंगे तो संदेश दे सकते हैं, जैसे बुक ऐसे कुछ देना, बाबा ऐसे हैं ऐसे बात कर रहे हैं, डीप ज्ञान उनको सुनाना है ना, उनको अन्य आत्माओं को बाहर की दुनिया वालों को, बाहर की दुनिया वाले आकर जो सुनना चाहते हैं तो सुनाना है, मानने वाला और उनके पीछे पड़ने की जगह पहले ऐसे ऐसे आपका पाठ चलता नहीं सुना सकते हैं, लेकिन कम से कम नाम का गहराई बातें सुनाने के लिए भगवान आया हुआ है, ये दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है, आपको समझना हो तो समझो, संदेश इच्छा मात्र अविद्या की हमें कोई चीज की इच्छा नहीं है, जो पाना था तो पा लिया, क्या परवाती पार ब्रह्म परमेश्वर की वो ही मिल गया तो हमें कोई इच्छा नहीं, बोल गए खाओ मिल गया इच्छा नहीं खाओगे इच्छा हुई है, उनकी भी कोई चिंता नहीं, तीसरी सेवा बाप ने हमको गारंटी दी हुई है, मेरे सर से उन बच्चे भूख मर नहीं सकते, भूख मर ही नहीं सकते,
तो उनको मैं दिल्ली के सामने तो दूसरी सेवा में देखे किस बात की इच्छा जो अपने आप में ये खा लू वो खा लू पीछे पड़ जाए जूस पी लू अब कोई भी और तो बताए वो भी एक इंद्रिय है मुख भी इंद्रिय है कानों की भी इच्छा होती है आंख की भी इच्छा होती है सुगंध सूंघने की भी इच्छा होती है अच्छी चीज को स्पर्श करने की भी इच्छा होती है विषय प्रकार की इच्छा है जितनी इंद्रियां उतनी इच्छा है कोई प्रकार की इच्छा न रहे जब तक जिंदा है तब तक पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा अध्वान से सब इधर बैठा है सभी मौत को ना जाएगी बाबा है ना संत समय एडवांस में भी अंदर एक और बाहर दूसरे दो तरह के है ना क्या दो ब्राह्मण दो तरह के ब्राह्मण शास्त्र की बात अलग तो पुरुषों की प्रवृत्ति बता दी लेकिन यहाँ खास बात है कि बाप के प्रति सच्चा होना तो जो सच्चे हैं वो सत्यधाम में क्यों नहीं पहुंची सत्यधाम दो ही है एक शांति धाम और एक सुख धाम तो सच्चे बच्चे सत्य धाम में नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेंगे मेरे वो क्या क्या पूछना था वो सब कुछ मैंने पूछ लिया क्वेश्चन ही नहीं मिला एक बात दूसरा ना कर कोई प्रश्न नहीं कोई जवाब नहीं चाहिए प्रश्न तो आते ही बाबा आप तो बोल रही है ना बाबा तो बोल रहे प्रश्न तो पूछो लज्जा नहीं करो प्रश्न पूछना अंदर अंदर कचरा अंदर कचरा रखना जरूरी है क्या नहीं वो दिखा रखे तो दिल का बात तो सुनाना ही पड़ता है ना हाँ जी अंदर अंदर अभी कचरा रख लेंगे अभी वो पीछे से वो बाहर निकलेगा मुँह से उल्टी होगी तो उल्टी होगी तो मुँह से बदबू निकलेगी दूसरों को खराब लगेगा दूसरे सोचेंगे हमारी बुद्धि में तो ये सब प्रश्न थे ही नहीं इन्होंने हमारी बुद्धि में उतार दिया क्या करो मंथन की तब होगा जब धन फील्ड में रहेंगे धन फील्ड में रहेंगे दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे तो विचार का अनुमंत्रण खूब चलेगा ऊपर के धर्म पिता लोग आते हैं धर्म पिता के एंटर करते हैं धर्म पिता के आधार होते हैं प्रवेश करते हैं प्रवेश करने के बाद उन लोगों की अभी अपना दुनिया में धर्म पिता बहुत मान मर्यादा ज्यादा है ना फिर उन लोग क्यों ऊपर जाएंगे वो इधर ही वहाँ रहेंगे क्या अच्छा जाते हैं वो आत्मा ऊपर के आ गई वो बीच में कोई ऊपर नहीं जाती है उनको जाने का रास्ता ही नहीं पता वो इसी दुनिया में जन्म के चक्र में आती रहती है चाहे इब्राहिम हो बुद्ध हो क्राइस्ट हो गुरु नानक हो
साईं बाबा हो, कोई भी हो, क्या वो सारा इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में फिर रहे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। उनको रास्ता तभी मिलेगा जब भगवान को बैठानेंगे, जो इस समय इस सृष्टि पर आया हुआ है। मुरली में ऐसे कहते थे, अब मुरली में ज्ञान में थोड़ा मिक्सर भी हो रहा है, लेकिन ज्ञान गंगा यज्ञ के द्वारा शुद्ध ज्ञान मिलेगा। जो ज्ञान गंगाएं निकलेंगी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से जो ज्ञान गंगाएं निकलेंगी, वो जो बाबा भाषा बोलते हैं उस भाषा में एक्सपर्ट होंगी या कमजोर होंगी? भाषा में तो एक्सपर्ट होंगी, तो उन्हें भाषा की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और अभी दक्षिण भारत से जो निकल रहे हैं एडवांस, और बाबा इतने साल से पीछे पड़े हुए हैं, हिंदी सीखो हिंदी सीखो, लेकिन फिर भी हिंदी सीखते नहीं, तो वो अंतर बन जाएगा। और जो किसी को बात सुना नहीं सके, कुछ न कुछ समझने में कुछ न कुछ समझाने में अंतर हो जाता है, और जो अंतर हो जाता है वो ही फिर बुद्धि को खराब कर देगा। बाबा अभी दक्षिण भारत में भी नदियाँ आई हैं, कावेरी जी बाबा गोदावरी, ये नदी का कुछ कीमत नहीं होती है। गंगे वो ब्रह्मपुत्र हो ही बताते है, अपना दक्षिण भारत का नदियाँ का नाम ही नहीं लेते बाबा। दक्षिण भारत में जो नदियाँ या विदेशों में जो नदियाँ हैं, विदेश की नदियों में कोई स्नान करने जाता है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में नदियाँ नहीं है क्या? नदियाँ तो है, लेकिन वहाँ स्नान करने कोई नहीं जाता, इसलिए कहा कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, यहाँ भाई बहन में ही शादी करते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ परंपराएं क्या है? यहाँ विदेशियों की परंपराएं हैं या स्वदेशियों जैसी परंपराएं? विदेशियों जैसी परंपराएं, भाषा भी अलग है, चलन भी अलग है, स्वभाव संस्कार भी अलग है, तो वो बात जो है वो असर डालती है। ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा धना के नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में? साउथ इंडिया में, ज्यादा गरीबी कहाँ है? ज्यादा गरीबी कहाँ है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, ये सारे गरीबों से भरे पड़े हैं। कोई कोई है जो ज्यादा धनवान है, बाकी सब गरीब है। दक्षिण भारत में वहां से भाग करके यहाँ आते हैं, सब पैसे वाले बनते हैं, चाहे बम्बई में भाग के आए, चाहे बंगलोर में भाग के आए, चाहे हैदराबाद में भाग के आए, वो यहाँ आकर के पैसे वाले बन जाते हैं। मुंबई में जाएंगे तो जैसे इंडिया के लोग विदेशों में भागते हैं, तो विदेशों में भाग भाग करके वहां जाते हैं, काम करते हैं, वहां पैसे वाले बन जाते हैं। भारत का विदेश हुआ ना, ज्यादा बुद्धिमान लोग कहाँ होते हैं? ज्यादा बुद्धिमान लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग साउथ इंडिया में है या नॉर्थ इंडिया? साउथ इंडिया। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धि के सीखे हैं, तो ईश्वर के ज्ञान को पहले बुद्धिमान समझेंगे या बुद्धू समझेंगे? दक्षिण भारत के जो बुद्धिमान है उन्होंने एडवांस अभी कुछ समझ लिया, उत्तर भारत में तो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। उनको भाषा मालूम है ना,
ये भी एक ड्रामा बना हुआ है। बुद्धिशाली रहने पे भी ये भाषा पर नहीं जानने का वास्ते कुछ भी बोल नहीं सकती, बोल नहीं पाती। इसलिए तो इनको पहले ज्ञान देता है भगवान। छोटे बच्चे इसको पहले पढ़ाई पढ़ाओ, ये हथियार हो जाएंगे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए भगवान आके पहले दक्षिण भारत वालों को एडवांस लर्न देता है। दक्षिण भारत के लोग पहले निकलते हैं, कहाँ दौड़ दौड़ के जाते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया वालों, अगर भगवान यहाँ दक्षिण भारत में निकला होता तो नॉर्थ इंडिया वाले यहाँ नहीं आते, वो आने वाले नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत वाले वहाँ दौड़ दौड़ के जाते हैं। लेकिन आपसे क्या करें, राम का जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म हुआ है, ये सब उधर ही है। आप से क्या रामेश्वर में थे, साउथ में रामेश्वर में, दूसरा कुछ नहीं है। जन्म भूमि तो नहीं है, जन्म भूमि नहीं है। राम आके जन्म, वो रामेश्वर में इसलिए यादगार बनी हुई है कि दक्षिण भारत में आकर के उन्होंने आखिरी संस्कार वालों से युद्ध किया, इसलिए रामेश्वर में यादगार बना दी। बाकी जन्म तो जितने भी भगवान हैं, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, उनकी जन्मभूमि नॉर्थ इंडिया है। जन्मभूमि माना प्रत्यक्षता रूपी स्थान। शिव भगवान का तो शास्त्र में शिव भगवान का शादी हुआ निकला है, उसमें तो शादी होने का टाइम हिमालय हिमालय अगस्तियर कन्याकुमारी को बताओ। अगस्तियर बोलो नीचे हिमालय पहाड़ पे शादी हुई, माने ऊंची स्टेज में शादी होती है। माने जो लक्ष्मी नारायण जब उनका स्वयंवर होता है तो जब पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हैं तब उनकी स्वयंवर होता है। नीति में जब तक है तब तक उनका की बात नहीं है। और मैं अपना वो भूमि ऐसा होने लगा, वो धरती ऊपर एकदम छोटा सा आकृति है, वो छोटा से है, वो आके इधर बैठ के नीचे किया। माना जब उनकी शादी होती है तो ये दुनिया नीचे ऊपर होने लगती है। तो बात है जब शंकर पार्वती का हो या लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर हो जाएगा उस समय की जैसे स्थापना हो गई ना, और स्थापना हो गई तो विनाश शुरू होगा कि नहीं, और विनाश होगा तो धर्म तो उत्पत्ति क्यों होगी। बाबा अगस्त्य माना क्या अर्थ होते हैं बाबा, अगस्त्य का अर्थ क्या हो, मतलब मुनि बोलते हैं अगस्त मुनि बोलते हैं, उनका तो अर्थ क्या होता है। आ माने नहीं, आ माने, आ माने नहीं, अगस्त्य माना बाबा। तो सारी बात बाबा पहले थोड़ी बता देंगे, ऐसा है बता देंगे। हिंदी तमिल की वो तमिल हिंदी की डिक्शनरी तो आती है, तो डिक्शनरी घर में होगी तो एक ही शब्द का अर्थ लेते हैं। बाबा हंस तो होता है बाबा, हंस तो बनेगा, हंस तो बनेगा। लगते हैं
अगर संजीव जी एक और कथा है उन्हें कागज पी लिया कागज पी गए सारा कागज पी लिया फिर उसको यूरिन में से निकाल दिया कागज खार हो गया। पहले कागज मीठा था पहले सारा कागज मीठा था बाद में जब उन्होंने पी लिया और निकाल दिया सर तो पेशा तो खाली होती तो सारा कागज खाली हो गया। कैसे खत्म हो गई क्या कैसे पूछ।